काढून घ्या समोर त्या मोकळ्या झाल्या रिक्षा नांद्या खाली ड्रॉप झाल्या रिक्षा खाली काढून घ्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अमनोरा पार्क, यहाँ पर बारबेक्यू नेशन है। तो मैं ऑलमोस्ट सब बारबेक्यू में गया हूँ, तो मैं पहली बार यहाँ के बारबेक्यू में आज आया हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ का बारबेक्यू का एक्सपीरियंस कैसा है। देख सकते हैं सामने बारबेक्यू नेशन। पुणे में लगातार 3 दिन से बारिश आ रही है, तो आप देख सकते हैं बारिश की वजह से क्या हाल है। और अमनोरा पार्क में आप जब एंटर करोगे, एंटर करके आपको सीधा आना है और फिर एग्ज़िट करना है यहाँ से, तो सीधा आना है। और यहाँ पर है बारबेक्यू नेशन, दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, आया नहीं था कभी। अपना कल्याणी नगर, फिर 93 एवेन्यू मॉल, यही फिक्स था। तो देखते ऊपर की KFC भी दिख रहा है। ये देखिए, हाय। तो अभी बुकिंग है मेरी 130। या आपका नाम? तापस। तो चलिए चलते अंदर। क्या फेस्टिवल है? मोदी मानसून। जैसा है दोस्तों अंदर से, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, थोड़ा म्यूजिक लाउड था थोड़ा कम करने के लिए, तो सर ने तुरंत म्यूजिक कम करा दिया यहाँ से। तो दिखने में तो काफी बड़ा दिख रहा है। चलिए देखते हैं हमारा बैठने के लिए डाइनिंग कहाँ पर है। ये मिल सकता है क्या? हाँ तो ये ज़रा ठीक है थोड़ा। दोस्तों आपको दिखा था उनके पास क्या क्या है। ये टोमेटो सूप है। तो ये है दाल मखानी, प्लेन राइस, उसके बाद है गार्लिक नूडल्स और गार्लिक सॉस। फिर है वेज कोरमा, आलू ड्राई, पनीर टिक्का मसाला, दाल पालक है, ये है खीर, गुलाब जामुन, वेज दम बिरयानी भी है, चिकन दम बिरयानी, ये क्या है, चिकन कोरमा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है चिकन कोरमा की। ये भुना गोश्त, ये बात है, ये फिश करी है और इसके बगल में अंडा करी। यहाँ पर फ्राइड चिकन बन रहा है आपके सामने लाइव, ये देखिए, ये ग्रिल्ड चिकन है, पनीर, पाइनएप्पल है पनीर में। आप यहाँ से भी इनको बता सकते हैं आपको किस तरीके से बना के चाहिए, तो आपको ये बना के दे सकते हैं। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, इनका वेज काउंटर है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया नॉन वेज काउंटर था वो, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इनसे बना के ले सकते हैं वेज में आपको जो भी चाहिए। यहाँ पर तो मुझे भजिया दिख रही है, देखिए भजिया है, पानीपुरी भी यही से मिल रही है। दोस्तों ये आई इनकी पानी पूरी आराधना के लिए।
बच्चे पानी पूरी से ही खुश हो जाते हैं। ग्रिल आ गया हमारा अभी, देखिए। ऐसी जगह पे आके वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहता है, तो हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाए और बाद में कॉपीराइट्स आ जाता है। फिर भी मैंने उनको बोला है थोड़ा वॉल्यूम कम करने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन देखते अभी इस वॉल्यूम में भी कॉपीराइट्स आता है क्या। फिर मुझे बैकग्राउंड में म्यूजिक डालना पड़ता है, फिर वो जो ओरिजिनल साउंड होता है उसका मज़ा ही चला जाता है। लेट्स सी, देखते आपको मैं दिखाता हूँ अभी और क्या क्या आएगा। ग्रिल तो आया है अभी, और क्या क्या है इसके अंदर खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आइटम सब सेम ही होते हैं, आप कोई भी बारबेक्यू में जाइए, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ कल्याणी नगर वाला और इसको कंपेयर करने के लिए, तो लेट्स सी। तो कल्याणी नगर का मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि उनका और इनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है बाकी की जगहों से, तो देखते फिर प्राइस सेम है तो क्वालिटी कैसी है। तो अभी मुझे ये दे रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्रिस्पी कॉर्न, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। अभी जो आते जो खाते उनको पता है। ये मेरा फोक यहाँ पर है, ये देखिए इसका अलग ही टेस्ट होता है। जो लोग मेरा ये वीडियो पुणे के बाहर से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, कल्याणी नगर एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पर भी बारबेक्यू नेशन है, जो अभी तक का हमारा इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है कल्याणी नगर का, वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर कभी आना नहीं हुआ, तो आज आया हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को कंपेयर करूँगा, किसका फूड अच्छा है, कल्याणी नगर का या इसका। तो यह है वेज लॉलीपॉप, ये किस चीज़ से बना है वो भी बताइए सर भैया। सर एक्चुअली मिक्स वेज से बनता है, लाइक पोटैटो एंड मटर के दाने। अच्छा, पोटैटो और मटर के दाने, मिक्स वेजिटेबल को ऐड करते हैं। अच्छा चलो दोस्तों इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। ये क्या है, क्या बोला? अच्छा कैजुअल, क्या नाम है इसका? नाम है कैजुअल स्पाइस पोटैटो। कैजुअल, कैजुअल स्पाइस पोटैटो, ओके। भाई ये तो बढ़िया है खाने में, और ये कैजुअल पोटैटो देखते हैं। ये भी बढ़िया है, मूडी मंचून के उसके अंडर कुछ पकौड़े वगैरह आता है, लेकिन रेन के टाइम है दैट्स व्हाई हम फिश वन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये रहेगा सर पालक के पकौड़े। अच्छा, और ये रहेगा आलू के पकौड़े। ओके, ये रहेगा पनीर के पकौड़े, और ये रहेगा कंदा के पकौड़े। ओके सर, तो आप एक काम कीजिए, एक एक पकौड़े यहाँ पर रख लीजिए टेस्टिंग के लिए, एक एक। अच्छा, ये देखिए इनके फेस्टिवल की डिश, थोड़ा सा डालिए, वाह। ये अपनी मिल चटनी है ना? ओके ओके, तो चलो दोस्तों इसको ट्राई करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये अपना कांदा भजी, थोड़े सख्त है, पनीर है शायद, ये थोड़े अच्छे लग रहे, लेकिन ये बहुत सख्त है, थोड़ा है तो ये हो गई थोड़ा। ये पालक ये क्या है, जो पहले दिया था उसमें इसमें क्या फर्क है? थोड़ा अलग है, थोड़ा सा दीजिए, एकदम थोड़ा, एकदम थोड़ा, हाँ थोड़ा सा दीजिए। इनका कहना है कि ये क्रिस्पी कॉर्न थोड़ा सा अलग है, टेस्ट करते बस। टेस्ट करता हूँ इसका,
थोड़ा तो चाट मसाला डाला है इसमें, थोड़े से मसाले डाले, अच्छा लग रहा है। क्या है सर? ये क्रिस्पी चिकन रहेगा। ओके, अमेरिकन फ्राइड चिकन रहेगा। एंड ये हमारा फेस्टिवल का कुछ स्पेशल आइटम रहेगा। क्या नाम है इसका? ये चिकन पकौड़ा रहेगा और ये फिश पकौड़ा रहेगा। अच्छा, ये फिश है, ये चिकन है। चलो दोस्तों थोड़ा ट्राई करते हैं इसको। ये अनन्या को क्रिस्पी चिकन बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा इसको ट्राई करता हूँ। ये फिश पकोड़ा और चिकन पकोड़ा, ये चिकन ही था, ये चिकन पकोड़ा। ये बनी तो बहुत अच्छे से मैरिनेट किया है। फिश मुझे बहुत पसंद आई, चिकन पकौड़ा भी अच्छा है, तो फिश पकौड़ा बहुत बढ़िया। सर चिकन तंदूरी लेग पीस रहेगा। चिकन तंदूरी हमारे तंदूर में पकता है सर। अच्छा, स्मोकी फ्लेवर के रहेगा। तो ये तंदूर में पकता है दोस्तों, चिकन तंदूरी लेग पीस। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, चलो तो इसको ट्राई करते हैं। देखिए चिकन लेग पीस, उल्लास जी याद आए। बहुत अच्छे से ये रोस्ट हुआ है। इसका मैरिनेशन, इसको इतना अच्छे से रोस्ट किया है, देख सकते हैं। ये पसंद आया मुझे, बढ़िया है। इसके मसाले का पूरा फ्लेवर आ रहा है। सोया का इसमें क्या फ्लेवर, कैसा फ्लेवर डाला है? अच्छा, तो इसमें सोया फ्लेवर मिक्स किया है। ओके, फिर फिश टिक्का, कौन सी फिश है ये? बासा। ओके, ओके, हमारे यहाँ पे तीन टाइप्स के मतलब नॉनवेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, एक चिकन टिक्का और एक फिश टिक्का और एक प्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके, तो दोस्तों वेज में देखिए इनके पास क्या है। सर वेज में भी हमारे बहुत सारा आइटम है, लाइक ये तंदूरी आलू रहेगा सर, तंदूरी आलू, एंड ये तंदूरी सोया रहेगा। ओके, ये तंदूरी पनीर रहेगा, ये तंदूरी पाइनएप्पल। ओके, ये तंदूरी मशरूम रहेगा। ओके, तो आप अभी मशरूम और पाइनएप्पल और सोया दे दो, आलू मत दो। दोस्तों ये आए सारे प्रॉन्स, इतना ढेर सारा उन्होंने ला के रख दिया, समझ में नहीं आ रहा है प्रॉन्स कहाँ पर है। यही है, निकलते हैं। अभी हाँ चलेगा चलेगा, प्रॉन्स की टेस्ट बहुत अच्छी है। मैरिनेशन का ही पूरा खेल है, चिकन भी खाया उसका भी मैरिनेशन बहुत अच्छा था, ये भी तो मसाले की टेस्ट आती है, वो बेस्ट है। ये इनका बासा फिश है, ये बासा फिश भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनका बासा फिश है, ये देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक आई है दोस्तों, और ये दो लीची, और मैंने मेरे लिए सोडा मंगाया। लाइम सोडा मैंने मंगाया, लाइम सोडा मिक्स। ओके,
तो दोस्तों अभी 40% मैंने ये खा लिया है स्टार्टर, और अभी 20 या 30% ये लेंगे। इधर मैंने देखा था गार्लिक नूडल्स, तो वो थोड़ा टेस्ट करता हूँ गार्लिक नूडल कैसा है देखते। ये कुछ अपना गार्लिक नूडल थोड़ा सा लेंगे टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं। ये चिकन दम बिरयानी है, ये तो लेना बनता है। चिकन के पीस थोड़ा सा लेंगे, और हम लोगों में सैलेड, फिर इसके बाद एक बार और फिर आऊँगा। यहाँ पर है सैलेड, तो मैं अभी शूट नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा इसको रखता हूँ यहाँ पर, और बाद में आपको दिखाता हूँ मैंने सैलेड में क्या लिया। तो दोस्तों देखिए, सैलेड में मैंने ये लिए ऑनियन, ब्रोकली, ककड़ी ली है, गाजर। तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते कैसा है। ये क्या ओके अभी बढ़िया। दोस्तों ये बिरयानी वाकई में टेस्टी है, बढ़िया। ये नूडल, गार्लिक नूडल, इसको टेस्ट करते हैं। गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। चलो दोस्तों इसको खत्म करता हूँ। अभी लास्ट के दो आइटम रह गए, वो ले लेता हूँ, उसके बाद मेरा फिनिश। चलो ये कोस्टल फिश करी, क्योंकि ये दिखने में ही बहुत टेस्टी दिख रही है। ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा नान के साथ खाने के लिए बस, और लूँगा इसके बाद ये गोश्त, गोश्त लूँगा थोड़ा सा, ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ये दो आइटम 20% बहुत हो गया, तो अब ये दो आइटम लूंगा। तो दोस्तों ये फिश करी और ये मटन करी है, तो इसके साथ मैंने मंगाया गार्लिक नान, और टेस्ट करते हैं इसको कैसा है। अब ये मेरा फाइनल, दो जो जो आइटम यहाँ पर रखे हम सब तो नहीं खा सकते, कोई भी नहीं खा सकता, लेकिन मैंने जितना खा सकता हूँ मैंने उतना खा लिया। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉन फिश स्ट्रिप है जो अभी नहीं खाई जा रही है, ये अभी ये दोनों ही खाऊंगा। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड लाया है, ये वो वाला ही है जो तंदूरी चिकन के साथ जो सैलेड मिलता है, ये वो वाला ही है। तो दोस्तों ये शेफ है, बहुत अच्छा बनाया, तो कल्याणी नगर से हमको ये अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मुझे नहीं दिखी वो था कि कबाब नहीं मिला, चिकन का कबाब या मटन का कबाब नहीं मिला जो वहाँ पर मिलता है, ठीक, कबाब नहीं मिला। नहीं 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 मैंने सिर्फ बताया कि मेन्यू में नहीं था शायद वो, बाकी टेस्ट वाइज ये अच्छा था, बेस्ट था, थैंक यू। तो दोस्तों ये बटर गार्लिक नान है जो कि बहुत टेस्टी लगती है, स्पेशली मटन के साथ, इसको टेस्ट करते। ब्रोकली फिश है,
कर रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। करी तो मुझे पसंद है, थोड़े मटन करी रखते हैं। ये दोनों ही आइटम बहुत अच्छे बने हैं, इसकी तारीफ तो शेफ से करनी पड़ेगी, इतना अच्छा बने ये दोनों, बिरयानी, मटन करी, फिश करी और वो चिकन लॉलीपॉप। ये जो आइटम थे ना, ये अल्टीमेट थे। और वो फिश जो थी ना, जो ग्रिल की थी, वो एक तो ये फिनिश करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने शेफ से कहा था कि मुझे यहाँ पर मटन चीक नहीं मिली, हाँ तो मैंने भी शेफ से कहा था कि मुझे चिकन चीक नहीं मिली, तो उन्होंने तुरंत मेरे लिए बनाकर ये भेजा मुझे। तो ये होता है बारबेक्यू की हॉस्पिटलिटी, ये देखिए इनके स्टाफ। आप अगर कुछ बोलते हो तो तुरंत आपके लिए बना के लाते, ये भी तो उन्होंने तुरंत मेरे लिए बना के लाई दोस्तों। तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ पर एमनोरा पार्क में, जो बारबेक्यू है, इन लोगों के लिए कीजिए कम से कम, क्योंकि इनकी हॉस्पिटलिटी बहुत ही अच्छी है। जस्ट अभी बोला मैंने कि उन्होंने बना के भेजा, थैंक यू। थैंक यू शेफ, आपने ये बना के तुरंत भेज दिया। yes, और मैं आपकी इन दो डिश के लिए तारीफ करना चाहता हूँ, ये बहुत ही टेस्टी है। yes, फिश करी और मटन करी, और बिरयानी भी बहुत टेस्टी बनी थी। कुछ भी लगेगा तो ये दो चिकन लेग पीस और बिरयानी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आइए और शेफ़ के हाथों का ये खाइए। थैंक यू शेफ। तो दोस्तों, अभी बारबेक्यू से लंच हो चुका है पूरा, आपको मैंने दिखाया सब कुछ, कुछ रह गया होगा तो शायद कुछ छूट भी गया होगा, क्योंकि सब तो कवर नहीं कर सकते। और अंदर म्यूज़िक चल रही थी तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा ही सीन ले लूँ, ताकि थोड़ी सी म्यूज़िक आ जाए, कॉपीराइट्स का इशू ना हो। तो ऑल ओवर खाना अच्छा था, मुझे पसंद आया, और लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ भी अच्छा है। तो आप आइए कभी यहाँ पर, अगर आपको आना है बारबेक्यू नेशन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, और इस बार कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो किसी वेज रेस्टोरेंट में हो, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ये बारबेक्यू और यहाँ पर ही ज़्यादा होता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि किसी वेज रेस्टोरेंट में आने की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।